नमस्कार न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा देखिए जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपने लक्ष्य पर पहुंच रहा है वैसे वैसे ही लोकसभा सीट पर जो है लगातार हॉट सीट बनता जा रहा है देखिए एक तरफ जहां पावर स्टार पवन सिंह ने निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया उसके बाद से लगातार जो काराकाट लोकसभा सीट है वो हॉट सीट बन गया है और अब जो है काराकाट लोकसभा सीट पर बड़ा खेला हो गया है बता दें पावर स्टार पवन सिंह ने अब काराकाट लोकसभा सीट से बड़ा खेल खेला है क्या पवन सिंह ने काराकाट चुनाव से रणनीति बनाई है आई हम आपको तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ अब उनकी मां भी चुनावी रन में पावर स्टार की मां प्रतिभा देवी ने आज यानी मंगलवार को अपना नामांकन कराया है माना जा रहा है कि पवन सिंह के कहने पर ही उनकी मां ने ये कदम उठाया है इसके साथ ही ये स्पष्ट हो गया है की पवन सिंह चुनाव लड़ने का अपना फैसला वापस नहीं लेंगे वही पवन सिंह के नामांकन रद्द होने की आशंका पर मां ने भी नामांकन किया है अगर बेटे का नामांकन रद्द होता है तो मां चुनाव लड़ेंगी वही पवन सिंह द्वारा नौ मई को नामांकन किया गया था और कल यानी कि पंद्रह मई को नामांकन पत्रों की जांच भी होगी जबकि 16 मई तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है बता दें पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी और पत्नी जो है उनकी वो नामांकन सभा में भी पहुंची थी जिसमें मां ने बेटे के लिए आंचर फैलाकर वोट मांगा था आज बेटे की लड़ाई के लिए वो खुद मैदान में उतर गई है इस दौरान जनसभा में पचास हजार के करीब लोग पहुंचे थे बता दें कि काराकाट की तरह शिवहर सीट पर भी मां-बेटों ने अपना नामांकन कराया है जहां जदयू की तरफ से लवली आनंद ने अपना पर्चा भरा है वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके छोटे बेटे अंशुमान ने भी नामांकन किया है तो देखिए काराकाट से पावर स्टार पवन सिंह की मां जो है प्रतिमा देवी वो भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और उन्होंने जो है अपना नामांकन भी करा लिया है देखिए कहीं ना कहीं पवन सिंह को इस बात का डर था कि उनका नामांकन रद्द ना हो जाए और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी मां को चुनावी मैदान में उतार दिया है और आपने पहले भी देखा होगा जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जिस दिन पवन सिंह ने अपना नामांकन किया था उस दिन जो उनकी माँ है वो झोली फैलाकर अपना आंचल फैलाकर वहां की जनता से वोट मांगती हुई नजर आ रही है और आज वोट मांगते मांगते उनकी माँ जो है खुद चुनावी रन में उतर चुकी है आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज नेशन